नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं BBA इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के बारे में। इंडिया के अंदर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। बहुत सारे फॉरनर्स जो कि इंडिया के अंदर आके ट्रैवल करते हैं या फिर बहुत सारे इंडियंस जो कि दूसरी कंट्री में आके ट्रैवल करते हैं, सबको अच्छे से अच्छे पैकेज या फिर लग्जरी की ज़रूरत पड़ती है। वो एक कंसल्टेशन पहले ज़रूर लेते हैं या फिर किसी कंट्री के अंदर विजिट करने से पहले या फिर बाहर के फॉरनर्स यहाँ पे विजिट करने से पहले एक ट्रैवल एजेंट या फिर एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पूरी कंसल्टेशन लेते हैं, पैकेज के बारे में जानकारी लेते हैं, होटल सर्विसेज के बारे में पूछते हैं। तो ये सारा काम आप टूर एंड ट्रैवल जो मैनेजमेंट जो करते हैं उनके अंडर में आता है। अगर आपका खुद का बिजनेस भी है, नॉट फॉर दी जॉब पर्पज़, अगर आपका खुद का बिजनेस भी अगर आपने सोचा है कि मेरे को आगे जाके ट्रैवल एजेंसी खोलना है या फिर एक टूरिज्म के लिए आपको कुछ अपना एक स्टार्टअप प्लान करना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है और इसके अंदर आगे जाके आप और भी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। नॉट इवन BBA के बाद आप MBA इन ट्रैवल एंड टूरिज्म भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में जानेंगे BBA टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस भी हम आज इसका डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम इसकी जॉब करियर ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इसके सैलरी पैकेज के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोस। BBA इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास 12th क्लास में 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और आप अगर कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो बेसिकली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, उसके स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में हमको पढ़ना होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 1, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 2, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च इन मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2, DBMS, इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सेमेस्टर 3 में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडियन इकोनॉमी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 3, मैनेजमेंट ऑफ ट्रैवल एजेंसी। सेमेस्टर 4 में हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, कंप्यूटर एप्लीकेशन पार्ट 2, बिजनेस लॉज, टैक्सेशन लॉज, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म। सेमेस्टर 5 में हम पढ़ते हैं वैल्यूज एंड एथिक्स इन बिजनेस, सेल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फॉरेन लैंग्वेज, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग इन सर्विस इंडस्ट्री, एयरलाइंस, ट्रैवल, टूर्स एंड होटल। सेमेस्टर 6 में हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड लॉज, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एवोल्यूशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन लैंग्वेज पार्ट 2, एयर टिकटिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। अब हम जानते हैं BBA टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में। आप रिसॉर्ट्स, एयरलाइंस, फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, होटल एंड एलाइड सर्विस इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो कंपनीज, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूर्स ऑपरेटर्स, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स सर्विसेज, ट्रैवल एजेंसीज, रेलवेज, टिकटिंग एजेंसीज में काम कर सकते हैं। BBA टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के अंदर आप ट्रैवल एग्जीक्यूटिव, काउंटर असिस्टेंट, टूर ऑपरेशन मैनेजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, टूरिस्ट गाइड, काउंटर क्लर्क, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, टूर ऑपरेटर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टिकटिंग असिस्टेंट, लॉबी मैनेजर, ट्रेनी ट्रैवल कंसल्टेंट, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, टूर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, रिजर्वेशंस एग्जीक्यूटिव, टूर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, सेल्स मैनेजर, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, वीजा एग्जीक्यूटिव या फिर ट्रैवल एजेंट की पोस्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आप BBA इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको 10 to 15,000 का स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है।
अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटी है और अगर आपने अच्छे कॉलेज से BBA करा है तो फिर आपको इससे भी अच्छा पैकेज मिल सकता है। इस कोर्स के थ्रू आप होटल इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में भी जा सकते हैं, रेलवेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपके अंदर विल पावर है, आपको इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाके काम करना है। हर एक बच्चे का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हर एक बच्चे का अपना एक स्किल होता है, आप उस स्किल को पहचानो। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्स BBA इन टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है किसी और कोर्स को लेके या फिर इस कोर्स को लेके, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।